होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोयाबीन एवं मूंग उड़द की फसल सवे एवं मुआवजे की मांग को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार नीलेश पटेल को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सोयाबीन में पीला मोजेक एवं वर्षा से अफिम की बीमारी से मूंग एवं उड़द की फसल गल गई है। किसानों की फसल में नुकसान होने से किसानों को अपनी लागत भी निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मुकेश पटेल ने बताया कि बानापुरा की कृषि उपज मंडी में मूंग की फसल को बेचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टोकन की जो व्यवस्था की गई है उससे पूरे क्षेत्र के किसानों की 50% मूंग ही नहीं बिक पाई है। इसी तरह यदि टोकन व्यवस्था लागू रही तो 2-3 माह बीत जाने के बाद भी मूंग की फसल नहीं बिक पाएगी, जिससे छोटे किसानों को मंडी के बाहर मंडी दामों से 1000 से 1500 रुपए कम कीमत में बेचना पड़ेगा। कोरोना काल में वैसे भी किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों का सर्वे कराकर सभी को नुकसान का मुआवजा भी अति शीघ्र दिलाया जावे। किसान कांग्रेस की मांग है कि उक्त मांगों पर विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जावे, नहीं तो किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करने पर विवश होगा। जिस मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन दिया है, क्षेत्र में जो बारिश के कारण सोयाबीन मूंग उड़द मक्का की जो फसल खराब हुई है उसके कारण ज्ञापन दिया है। अचानक मौसम की मार के कारण जो सोयाबीन की फसल सूख रही है उसके कारण ज्ञापन दिया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। लगभग 10,000 रुपये एकड़ की जो लागत किसानों की लगी है, सरकार वो पैसा मुहैया कराए।